दोस्तों जियो का जियो प्राइम मेंबरशिप, आप लोगों को पता है जियो प्राइम मेंबरशिप में आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट दिए जाते हैं। जियो के जितने भी ऐप्स हैं उन सभी का सब्सक्रिप्शन आप लोगों को मिल जाता है। साथ में जियो अपने प्राइम मेंबर्स के लिए बहुत से कैशबैक ऑफर्स लेकर आता रहता है। लेकिन दोस्तों अब आपकी जो प्राइम मेंबरशिप है वो 31 मार्च 2019 को ख़त्म होने जा रही, तो अब 1 अप्रैल 2019 से आपको जियो प्राइम मेंबरशिप लेने के लिए क्या कुछ करना होगा, क्या फिर से रिचार्ज आपको कराना है या फिर से आपकी जो वैलिडिटी है वो अगले एक साल के लिए एक्सटेंड की जाएगी या नहीं की जाएगी, सारी डिटेल आज के इस वीडियो में आपको दूंगा। लेकिन दोस्तों उससे पहले मैं यहाँ पर आपसे कहूँगा कि आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, और हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। साइड में जो बेल आइकन आता है उसको भी आप प्रेस कर लीजिए। तो दोस्तों हम यहां पर बात कर रहे हैं जियो की प्राइम मेंबरशिप के बारे में, क्योंकि 31 मार्च 2019 को आपकी जो प्राइम मेंबरशिप है दोस्तों वो यहां पर ख़त्म होने जा रही है। बहुत सारे सवाल लोगों के यहां पर आ रहे हैं कमेंट सेक्शन में कि जियो की प्राइम मेंबरशिप फिर से फ्री रहेगी या नहीं रहेगी। तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं यहाँ पर आपको बता दूँ कि जियो प्राइम मेंबरशिप में आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलते हैं जियो के जितने भी ऐप्स हैं, जैसे जियो टीवी हुआ, जियो सिनेमा हुआ, या जो जियो सावन ऐप है फिलहाल वो आपको जो है यहाँ पर कुछ पेड अमाउंट पे करना है, लेकिन फिर भी आपको जो है वहाँ पर कंटेंट मिलता है। और जैसे जियो मैगजीन वगैरह बहुत सारे ऐसे ऐप्स हैं जिनका सब्सक्रिप्शन आप लोगों को जो है इस प्राइम मेंबरशिप में मिल जाता है, और यहाँ पर आपको अनलिमिटेड वॉइस कॉल हर रिचार्ज पर मिलती है। साथ में यहाँ पर जितने भी जियो के द्वारा जो कैशबैक ऑफर्स लाए जाते हैं वो उनके प्राइम मेंबर्स के लिए ही लाए जाते हैं। तो यहाँ पर जो है प्राइम मेंबरशिप वाला जो रिचार्ज था दोस्तों वो सबसे पहले 2017 में आया था, और मार्च 2017 में लोगों को ये रिचार्ज कराना पड़ा था। 99 रुपीज़ में आपको प्राइम मेंबरशिप दी गई थी और एक साल की वहाँ पर आपको वैलिडिटी मिली थी 31 मार्च 2018 तक की। और जब 31 मार्च 2018 को आपकी प्राइम मेंबरशिप वहाँ पर ख़त्म हुई थी दोस्तों, तो जियो ने अपने सभी यूज़र्स की वैलिडिटी जो थी वो अगले एक साल के लिए बढ़ा दी थी, यानी कि 31 मार्च 2019 तक के लिए। लेकिन दोस्तों जिन भी लोगों ने बीच में सिम लिया इस पीरियड के दौरान उनको जो प्राइम मेंबरशिप वाला रिचार्ज था वो जो है स्टार्टिंग में ही कराना पड़ा था 99 रुपीज़ पे करके, और यहाँ पर जो उनकी वैलिडिटी दी जा रही थी उनको पूरे एक साल की दी जा रही थी, ना कि 31 मार्च 2000 जो भी आपका 18 या 19 था उस पीरियड के लिए दी जा रही है। तो फिलहाल ऐसा ही कुछ यहाँ पर चल रहा है कि आपकी जो वैलिडिटी है दोस्तों वो आपको अब जो है आपके रिचार्ज वाली डेट से मिल रही है, और जिन लोगों की जो वैलिडिटी है वो एक्सटेंड की गई थी, जिन्होंने 2017 में रिचार्ज कराया था उनकी जो वैलिडिटी है वो फिलहाल जो है 31 मार्च 2019 तक जो है चलने वाली है। और अब शायद ऐसा ही होने वाला है कि जिन भी लोगों ने जो प्राइम मेंबरशिप का रिचार्ज दोस्तों कराया है उनकी वैलिडिटी दोस्तों 1 अप्रैल 2019 से भी जो है एक्सटेंड कर दी जाएगी पूरे एक साल के लिए, जैसा पिछली बार की गई थी। क्योंकि यहाँ पर कोई भी दूसरा ऑपरेटर ऐसा नहीं है जो आपको कुछ प्राइम मेंबरशिप वाला रिचार्ज अलग से जहाँ पर कराना पड़ता हो, सिर्फ जियो में ही आपको जो है प्राइम मेंबरशिप वाला या कुछ मेंबरशिप वाला रिचार्ज कराना पड़ता है। तो यहाँ पर जियो भी नहीं चाहेगा कि उसके जो सब्सक्राइबर्स हैं उनको कुछ परेशानी उठानी पड़े, तो इसलिए जो आपकी प्राइम मेंबरशिप है दोस्तों वो फिर से शायद मेरे हिसाब से तो एक्सटेंड की जाने वाली है। आपको माई जियो ऐप में अपडेट मिल जाएगा, वहाँ पर आपको पॉपअप देखने को मिलेगा कि आपकी जो प्राइम मेंबरशिप है वो एक साल के लिए एक्सटेंड की जा रही है, और वहाँ पर बस आपको ओके करना पड़ेगा, आपका जो है कंफर्मेशन आपको मिल जाएगा कि आपकी जो प्राइम मेंबरशिप है वो एक साल के लिए एक्सटेंड कर दी गई है। लेकिन दोस्तों अभी इस बारे में ऑफिशियल न्यूज़ नहीं है, और जैसे ही अभी कोई न्यूज़ आएगी सबसे पहले मैं आप लोगों के लिए लेकर आ जाऊंगा। लेकिन फिलहाल मेरे हिसाब से तो यही लग रहा है क्योंकि जियो अगर यहाँ पर कोई नया प्राइम मेंबरशिप रिचार्ज लेकर आता तो वो फिलहाल आ जाता, क्योंकि जो है 31 मार्च अब दूर नहीं है, और अगर जियो 31 मार्च के बाद में ये जो है यहाँ पर प्राइम मेंबरशिप वाला नया रिचार्ज लाता है तो लोगों को काफ़ी परेशानी उठानी पड़ेगी, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हो जाएंगे जो है एक साथ रिचार्ज कराएंगे तो वहाँ पर जो है ट्रांजेक्शन फेल भी हो सकती है। तो इसलिए जो है यहाँ पर शायद मेरे हिसाब से तो जियो प्राइम मेंबरशिप वाला कोई नया रिचार्ज नहीं आने वाला है। तो दोस्तों आप मुझे बताना कि क्या आप दोबारा से जियो प्राइम मेंबरशिप के लिए यहाँ पर जो है रिचार्ज कराना पसंद करेंगे या नहीं करेंगे। सो फ्रेंड्स आशा करता हूँ हमारा ये वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा, तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐसी ही न्यूज़ के लिए।